कश्मीर जिसे हम सब इंडिया का पार्ट मानते हैं, जिसका मैप तो कुछ ऐसा होना चाहिए पर एक्चुअल में ये ऐसा दिखता है, जिसके लेफ्ट साइड पाकिस्तान और राइट साइड में चाइना ने इलीगल कैप्चर किया हुआ है। और आज भी हम पाकिस्तान से इतने पावरफुल होने के बावजूद भी पूरा कश्मीर नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र 26 अक्टूबर 1947 में ही साइन कर दिया था, जिसके हिसाब से पूरा कश्मीर इंडिया का पार्ट होना चाहिए पर अभी भी पाकिस्तान ने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ है। और अपना मैप कुछ इस तरह रिप्रेजेंट करता है, जिसमें पूरा कश्मीर इंक्लूड लद्दाख को भी वो अपना पार्ट दिखाता है। तो आखिरकार कैसे हमने कश्मीर का 30% एरिया खो दिया, और आखिर क्यों पीएम नेहरू ने इंडियन आर्मी को रोककर कश्मीर को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। 20 फरवरी 1947 को जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली इंडिया को आज़ाद करने की अनाउंसमेंट करते हैं, तो उस समय इंडिया और पाकिस्तान में 565 प्रिंसली स्टेट थे, जिसका मतलब एक ऐसे एरिया से होता है जिस पर अधिकार तो अंग्रेजों का होता है पर कंट्रोल वहां के राजा किया करते थे। और फॉरेन अफेयर्स, सिक्योरिटी और कम्युनिकेशन, इन तीन चीज़ों को छोड़कर बाकी के सारे डिसीजन राजा खुद ले सकता था। जब अंग्रेज इंडिया को आज़ाद करने वाले थे तो अंग्रेजों ने इन प्रिंसली स्टेट को तीन ऑप्शन दिए कि या तो वो पाकिस्तान से मिल जाए या फिर वो इंडिया से मिल जाए। और तीसरा ऑप्शन ये था कि अगर वे दोनों में से किसी से भी नहीं मिलना चाहते हो तो वो खुद एक इंडिपेंडेंट रह सकते हैं और अपनी खुद की एक कंट्री बना सकते हैं। तो कश्मीर भी एक प्रिंसली स्टेट था पर कश्मीर इंडिया और पाकिस्तान में से किसी से भी नहीं मिलना चाहता था, क्योंकि 1941 के डाटा के अकॉर्डिंग कश्मीर में 77% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और सिर्फ 20% हिंदू पॉपुलेशन थी, पर वहां के राजा एक हिंदू राजा थे जिनका नाम महाराजा हरि सिंह था। तो प्रॉब्लम कुछ ऐसी थी कि अगर वे पाकिस्तान से मिलते हैं तो उनकी खुद की जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम देश था, और अगर वे इंडिया से मिलते हैं तो 77 मुस्लिम पॉपुलेशन कश्मीर में विद्रोह कर सकती थी। तो वे तीसरा ऑप्शन यानी इंडिपेंडेंट रहने को चुनते हैं। पर जब 1923 जून तक लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1947 के समय के ब्रिटिश इंडिया के गवर्नर जनरल थे, कश्मीर का दौरा करते हैं और महाराजा हरि सिंह और उस समय के कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र काक को ये कहते हैं कि आप इंडिपेंडेंट तो रह सकोगे पर ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि अगर आप इंडिपेंडेंट रहोगे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट कश्मीर को एक इंडिपेंडेंट कंट्री एक्सेप्ट नहीं करेगी, या तो आप इंडिया में मिल जाओ या आप पाकिस्तान में मिल जाओ, और इस चीज में आपका डिसीजन ही फाइनल डिसीजन माना जाएगा। कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर रामचंद्र काक वैसे तो एक हिंदू थे पर उनका झुकाव पाकिस्तान और जिन्ना की तरफ ज्यादा था, और इन्होंने ही महाराजा हरि सिंह को इंडिया और पाकिस्तान दोनों में से कम एक साल तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ना साइन करके इंडिपेंडेंट रहने का सजेशन दिया था। पर महाराजा हरि सिंह ये जानते थे कि रामचंद्र काक अपनी पॉलिटिकल एडवांटेजेस के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, और इन्हीं रीजनों के कारण इन्हें इंडियन इंडिपेंडेंट डे से कुछ ही दिन पहले यानी 11 अगस्त 1947 को महाराजा हरि सिंह रामचंद्र काक को प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से डिसमिस कर देते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के फाउंडर थे, किसी भी तरह से कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे, जिसके लिए मोहम्मद अली जिन्ना और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कश्मीरी महाराजा हरि सिंह के साथ मल्टीपल मीटिंग्स और लालच देने की कोशिश की, पर महाराजा हरि सिंह की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता है, जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर की फूड, तेल और ट्रेन सप्लाई तोड़ देते हैं और कश्मीर को फाइनेंशियली डैमेज देते हैं। पर जब इन सब से भी कोई फायदा नहीं होता है, तब पाकिस्तान ने कश्मीरी मुस्लिम ग्रुप को फंडिंग और वेपन सपोर्ट करके कश्मीर में विद्रोह करवा देता है, और मुस्लिम पठान आदिवासी ग्रुप जो पाकिस्तान और कश्मीर में ही रहा करते थे, इनके हाथों 12 सितंबर 1947 में कश्मीर पर हमला करवा देते हैं, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये ना लगे कि ये हमला पाकिस्तान ने करवाया है। पाकिस्तान इस वॉर में डायरेक्ट ना होकर इनडायरेक्ट हमला करता है, और कई सोर्स से ये पता चलता है कि ये पूरी प्लानिंग कर्नल अकबर खान और सरदार शौकत हयात खान ने की थी, जिसका प्रूफ खुद पाकिस्तान कर्नल अकबर खान, जो 1947 के समय के पाकिस्तानी फॉर्मर आर्मी जनरल थे, अपनी बुक रेडर्स ऑफ कश्मीर में ये कहते हैं कि इन्होंने ही कश्मीरी विद्रोहियों को सपोर्ट किया था और उन्हें बंदूक, अनाज और प्रॉपर प्लानिंग के साथ कश्मीर पर हमला करवाया था। और यहाँ कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के नेक्स्ट कश्मीरी प्राइम मिनिस्टर न्यायमूर्ति मेहर चंद महाजन 19 सितंबर 1947 को दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू और पटेल जी से मीटिंग करते हैं और कश्मीर में फूड और ऑयल की सप्लाई करने की रिक्वेस्ट करते हैं, जो पाकिस्तान ने सितंबर की स्टार्टिंग में ही ब्लॉक कर दिया था, जिससे कश्मीर में फाइनेंशियली प्रेशर बन सके। और इसी मीटिंग में मेहर चंद महाजन नेहरू जी से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने की बात चलाते हैं, और इसके कुछ ही दिनों बाद सितंबर और अक्टूबर 1947 में महाराजा हरि सिंह की सेना इन पाकिस्तानी सैनिकों का सामना नहीं कर पाती है और महाराजा हरि सिंह इंडिया से मिलिट्री सपोर्ट मांगते हैं, जिसके बदले में महाराजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने को तैयार हो जाते हैं, और यह एक्सेशन 26 अक्टूबर 1947 को सिग्नेचर कर लिया जाता है, जिसके अगले दिन ही 27 अक्टूबर 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं, जिसके कुछ ही घंटों बाद इंडियन आर्मी को एयरलिफ्ट करके
करके श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतारा जाता है और श्रीनगर को बाय इंडियन आर्मी सिक्योर कर लिया जाता है और इंडियन आर्मी पाकिस्तान आर्मी को पीछे ढकेल देती है। पर लॉर्ड माउंटबेटन नेहरू को ये सजेशन देते हैं कि आर्टिकल 35 के अकॉर्डिंग ये मामला यूएन में भेजा जा सकता है और नेहरू ने माउंटबेटन की बात मानकर ये कश्मीरी इशू यूएन में भेज देती है, क्योंकि नेहरू को ये कॉन्फिडेंस था कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया का है और इसके अकॉर्डिंग पूरा कश्मीर पर हक इंडिया का होना चाहिए। पर यूएन न पाकिस्तान की बात मानता है और न इंडिया की, और कश्मीर में एक लाइन ऑफ कंट्रोल बना देता है जिससे हमारा 30% कश्मीर पाकिस्तान के पास चले जाता है, पर इसके कुछ ही सालों बाद 15% कश्मीर चाइना कंट्रोल कर लेता है, जिसे मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। पर अगर आपको इंडियन चाइना वॉर के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में इंडिया चाइना वॉर कमेंट करें।